हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2020 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अब हमारे पास लगभग 50 डेज हैं। ये लास्ट 50 डेज में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम एक अच्छा स्कोर कर सकें, कैसे स्कोर्स को अपना बढ़ा सकते हैं। जेई मेंस आपने जनवरी अटेम्प्ट दिया हुआ था, आप में से कुछ लोगों के स्कोर्स अच्छे नहीं हुए थे या जिनका भी परसेंटाइल कम था, वो अपना पूरा फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि अप्रैल में कैसे बढ़ाएं। पर कुछ चीजें याद रखिए, जो मिस्टेक आपने जनवरी में की थी, अगर वही मिस्टेक आप फिर से करने वाले हैं तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले एक बात बहुत अच्छे से समझिए, जनवरी सेशन के पहले मैंने एक जब सेशन लिया था तो मैंने एक बात बहुत अच्छे से बोली थी और बार बार बोली थी कि पेपर टफ नहीं आएगा, आप अगर फोकस होकर पढ़ाई करेंगे, फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। पर कई बच्चों ने उस पर कमेंट्स लिखा कि सर, क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, पेपर टफ होगा, फर्स्ट टाइम है, क्वेश्चंस के नंबर कम कर दिए। उसके भी मैंने वही रिप्लाई दिया था और आज मैं फिर बोलूंगा, हो सकता है जनवरी से पेपर थोड़ा सा लेवल वाइज ज्यादा हो, बट फिर भी मैं बोलूंगा अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जनवरी पेपर के जो मैंने सॉल्यूशन डाले हैं वो वीडियो जरूर देखिएगा, जब आप उनको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कहां पर हम इस कोर्स को अच्छे से कर सकते थे, क्वेश्चंस को थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप किया जाए। इनफैक्ट जब से न्यूमेरिकल हुआ मुझे लगता है आपके लिए ज्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि आपको केवल 20 ऑब्जेक्टिव मैथ्स में करना है, 20 फिजिक्स में करना है, 20 ही केमिस्ट्री में करना है और 5-5 क्वेश्चन इन तीनों के जब आपको करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी इंटीजर टाइप क्वेश्चंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि बाय चांस गलत भी हो गया तो आप कुछ कम नहीं करने वाले या कुछ खोने नहीं वाले, जबकि ऑब्जेक्टिव में रॉन्ग होने पे आपके 1/4 ना मार्क्स कम होने वाले। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा ही है, टाइम उतना ही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन कोई टफ नहीं आए थे। दूसरा, आप में से कुछ लोग, क्योंकि जेई मेंस के साथ साथ आपको एडवांस भी देना होगा और आप में से मैक्सिमम लोग बिट सेट का भी एग्जाम देंगे और ऑब्वियसली बिट सेट एक बहुत बिट्स प्लानी मतलब जेई लेवल का कॉलेज है, इसके लिए भी अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिफॉल्ट बिट सेट की प्रिपरेशन भी हो रही है, क्योंकि बिट सेट का पेपर जेई मेंस लेवल से थोड़ा सा कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता। दूसरा, आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि सर, जेई मेंस के साथ साथ क्या हमको एडवांस की प्रिपरेशन भी करना चाहिए। ये बात मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ये डिपेंड करता है कि आपका जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में परसेंटाइल कितना था। अगर जेई मेंस में परसेंटाइल आपका अच्छा था तो आप एडवांस की पढ़ाई करिए, पर अगर आपका जेई मेंस का परसेंटाइल अच्छा नहीं था तो एडवांस की जगह अभी आप फिर से फोकस मेंस पर ही रखिए, क्योंकि अप्रैल के बाद आपको एडवांस के लिए टाइम मिलेगा, उस समय आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एडवांस में या मेंस में अगर कोई डिफरेंस होता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल का, पैटर्न का और थोड़ा और डीप नॉलेज की जरूरत पड़ती है, जो आप बाद में कर सकते हैं। तो अभी राइट टाइम है कि आप अपने आप को बहुत फोकस होके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयार करिए। इसके अलावा मुझे बहुत सारे बच्चों ने एक चीज और बोली थी कि सर, 12th का पेपर अभी आने वाला है, ऐसे में क्या करें। मैं बिल्कुल आपको बोलूंगा कि अभी 12th का एग्जाम है, अभी आपका मेजर फोकस 12th पे ही होना चाहिए, क्योंकि 12th सीबीएसई के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। आप कहीं से किसी भी कंडीशन में 12th में स्कोर कम नहीं होना चाहिए, भले ही आपको चाहे ड्रॉप लेना पड़े, पर अगर आप 12th का बेस प्रिपरेशन अच्छे से करके चलेंगे तो मैं आपको एक बात बिल्कुल श्योरली बोल सकता हूं कि अगर 12th आपने अच्छे से दिया है, यानी अगर आप श्योर हैं कि 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पेपर आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जेई मेंस में भी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि वही सिलेबस आना है, थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। अब उसके लिए हम लोगों ने एक और काम किया है कि इंपिटस गुरुकुल ने, कि आपको अभी ज्यादा टाइम आपको जो है वो 12th पे देना है, तो अगर 12th अपेयरिंग है तो भी और 12th पास आउट तो भी, दोनों लोगों के लिए एक चीज और हम लोगों ने स्टार्ट की है। आप इंपिटस गुरुकुल के कोर्सेज तो जुड़े ही हैं, पर एक चीज हमने और स्टार्ट की कि रेगुलर क्विज आपको मिलना चालू होगी, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन रेगुलर देना होगा। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल impetusgurukul.com पे जाना है या live.impetusgurukul.com पे जाना है, या अपने मोबाइल में इंपिटस गुरुकुल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आप देखेंगे क्विज, उस क्विज को देना चालू करिए। और इसमें एक अच्छी बात यह होगी कि जिनके क्वेश्चंस मैथ्स में मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको वो क्वेश्चन करवाऊं जिससे कि आप फुल स्कोर कर सके, और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि अगर ये क्विज आपने रेगुलर दी तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें क्विज के साथ साथ मैं काफी सारे इनकी सॉल्यूशन की भी वीडियो आपको मिलेंगे, और अभी अगले कई दिनों तक मैं जो रेगुलर आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा उनको जरूर सॉल्व करिए। वो क्वेश्चन होंगे जो आपके अप्रोच को, लॉजिक को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप समझिए, आप कोई भी पेपर को पहले उठाइए, मेंस के पेपर्स को अच्छे से उठाइए, एनालाइज करिए या एडवांस के, आप एक चीज देखेंगे, अगर आपका बेस क्लियर है
फाउंडेशन क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और जो बात मैं मैथ्स के लिए बोल रहा हूं यही फिजिक्स के लिए अप्लाई होती है, यही केमिस्ट्री के लिए होती है। कई बार हम गाइड मिसगाइड हो जाते हैं, कई सारी गाइड सॉल्व करने की जगह एक बुक को अच्छे से सॉल्व किया जाए, 10 गाइड की जगह एक बुक को 10 बार सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा बुक की जगह आपको एक बुक को कई बार सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, क्वांटिटी की जगह क्वालिटी स्टडी करोगे तो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव माइंड से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मत सोचिए कि रैंक क्या आएगी, मत सोचिए कि कितना स्कोर करना है, मत सोचिए कि मुझे 99.99 परसेंटाइल चाहिए, 100 परसेंटाइल चाहिए, सब दिमाग से निकाल दीजिए। नॉलेज के लिए पॉजिटिव माइंड से पढ़िए, सोचिए कि जो पढ़ रहे हैं उससे हमें क्या नॉलेज मिल रही। जब आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं तो हर वो चीज होती है जो आप चाहते हो। और किसी भी इंसान में अगर नॉलेज है, टैलेंट है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आगे ना बढ़ सके। तो आप अपने आप को नॉलेज ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करिए, एक समझदारी से डिसीजन लीजिए कि क्या चीज सही है क्या गलत है। जो मिस्टेक जनवरी में हुई है वो दोबारा मत करिए। जब भी कोई भी पेपर दें ऑनलाइन, ये क्विज भी इसलिए रखिए, जब भी पेपर, ये भी पेपर दें तो आप एक चीज कोशिश करिएगा कि पहले आप सभी क्वेश्चंस को एक बार स्कैन करें, फिर सिंपल टू टफ जाएं। कभी कुछ पेपर बहुत इजी होंगे, कभी कुछ टफ होंगे, कभी मीडियम लेवल के। मैं ये ट्राई करूंगा कि आपको उस तरह के पेपर्स मिले जिससे कि आप अपने स्कोर्स को आप कर पाए, और यही कोशिश रहेगी। और यही कोशिश के साथ आप पढ़ाई करिए पॉजिटिव माइंड से। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।